हाय स्टूडेंट्स, मैं जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस सेकंड पार्ट में हमारे पास होगा आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आव्यूह को किस प्रकार से लिखा जाता है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह की कोटि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और आव्यूहों को किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपने हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर पार्ट फर्स्ट मैट्रिक्स का देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है पंक्ति यानी कि रो, नाम से पता क्या चल रहा है कि इसके अंदर एक ऐसा आव्यूह होगा, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल क्या हो, एक हो। यानी कि m की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। n की वैल्यू यानी कि स्तंभों की संख्या तो कुछ भी हो सकती है, स्तंभों की संख्या से हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा पंक्तियों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पंक्ति आव्यूह का एग्जाम्पल अपन ने ले लिया जैसे 3, 2, 1। तो अपन इसकी कोटि निकालेंगे, तो कोटि कैसे निकालते हैं, पहले पंक्ति देखते हैं, पंक्ति कैसे होती है ऐसे। तो ये एक पंक्ति है, स्तंभ कैसे होगा ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर पंक्ति कितनी है, एक है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1/3। तो ये एक पंक्ति आव्यूह का उदाहरण है। तो पंक्ति आव्यूह में यानी कि रो मैट्रिक्स में हमें ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ रोज हमेशा क्या होगी, नंबर ऑफ रोज हमेशा 1 होगी, एक ही पंक्ति होगी, उसके अलावा नहीं होगी। स्तंभों की संख्या यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, जैसे इसमें मैंने स्तंभ लिए हैं 3, अगर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो हमारे यहाँ मैटर नहीं करेगा, मैटर हमारा करेगा पंक्तियों की संख्या के ऊपर। हमें ध्यान रखना है कि पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति की संख्या सदैव एक होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब बारी आती है स्तंभ आव्यूह की। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, स्तंभ बोल दिया, कॉलम बोल दिया, कॉलम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या यहाँ पर एक होगी, n/1। ये हमें ध्यान रखना है, जबकि पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होगी, एक होगी। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसी उदाहरण को ले लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पर पंक्ति कितनी हो गई, 1, 2, 3 और स्तंभ कितना हुआ, 1। तो इसकी कोटि कितनी हो गई हमारे पास, 3/1। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या सदैव एक होती है, वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स का अंदर हमेशा जो कॉलम होगा वो सिर्फ क्या होगा, एक होगा। पंक्तियों की संख्या यानी कि रोज अलग अलग हो सकती है, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, ये हो सकती है, लेकिन स्तंभ हमेशा क्या होगा, एक। जबकि पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या हमेशा क्या होगी, एक। एक ही पंक्ति होगी तो पंक्ति आव्यूह, एक स्तंभ होगा तो स्तंभ आव्यूह। अब बारी आती है तीसरे प्रकार के आव्यूह यानी कि एकल आव्यूह, सिंगलटन मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है एकल, एकल यानी कि एक। अब यहां पर एक क्या होगा, यहां पर पंक्ति भी एक होगी और स्तंभ भी एक ही होगा, यानी कि m और n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, यहां पर एक होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 105, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ कितना है, एक। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 1/1। तो यहाँ पर एकल आव्यूह यानी कि सिंगलटन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक अवयव होता है, केवल एक अवयव होता है, या फिर हम कह सकते हैं m तथा n का मान, यानी m का मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, n का मतलब क्या होता है, स्तंभों की संख्या। पंक्ति तथा स्तंभ दोनों ही क्या हो, एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एकल आव्यूह यानी कि सिंगलटन मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं शून्य आव्यूह की, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य, जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं।
सुननी आप यू कहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 2 1। अगर मैंने यहाँ पे 3 2 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 0 0 0 लिखा, तो क्या ये एक शून्य अवयव होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, सभी अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सभी अवयव जीरो होने का मतलब यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब हम इसकी कोटि निकालेंगे, तो कोटि कैसे होगी ये देखते हैं। पंक्ति ये होती है स्तंभ, तो पंक्ति कितनी हमारे पास, दो, और स्तंभ कितने हैं, तीन। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 2/3। कैसा भी हो सकता है शून्य अवयव, जैसे अपन ले लेते हैं 2/2 का 0 0 0 0, और ये हो गई 2/2 की अवयव, ये भी एक शून्य अवयव है, क्योंकि इसमें सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव यानी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो अपने पास वो क्या होगी, शून्य अवयव। जबकि एकल अवयव का मतलब क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही अवयव होता है, सिर्फ एक अवयव होने पर वो एकल अवयव कहलाएगी। अब आगे की अवयव के बारे में बात करते हैं, और अगला अवयव है वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी खासियत क्या होती है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। एम का मतलब पंक्तियों की संख्या, एन का मतलब स्तंभों की संख्या है। अगर ये दोनों बराबर होती है तो उस अवयव को क्या बोलते हैं, हम वर्ग अवयव बोलते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है यानी समान होती है, उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे 2 3 1 4, ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है। एक हम 3/3 का ले लेते हैं, 3 1 2 1 5 7 8 9 1, ये एक 3/3 का अवयव है। तो ये दोनों ही अवयव वर्ग अवयव होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर m और n की वैल्यू समान है, m और n दोनों ही इक्वल है, ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस आखिर है क्या, ट्रेस होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। अब बारी आती है कि भाई ये मुख्य विकर्ण क्या होता है, विकर्ण तो हमने पढ़ रखा है, जैसे इसके दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये रहा और दूसरा विकर्ण हमारे पास ये रहा, ये दो विकर्ण होते हैं। अब मुख्य विकर्ण इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से मुख्य विकर्ण है 3 5 और 1 वाला। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये होगा A11, ये होगा A22, ये क्या होगा, ये होगा A33। तो यहाँ देखो आई और जे की वैल्यू क्या है, समान है। तो ऐसा विकर्ण जिसमें आई और जे की वैल्यू समान होती है, दोनों ही इक्वल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। तो हमारे पास जब भी मुख्य विकर्ण की बात आएगी तो हम A11, A22, A33, आगे आएगा तो A44, उसके आगे आएगा तो A55 के अवयवों को लेंगे। जैसे यहां पर हमारे पास 2/2 का है, तो इसका मुख्य विकर्ण क्या होगा, इसका मुख्य विकर्ण ये होगा A11, A22, तो ये मुख्य विकर्ण है। तो ट्रेस क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल। अगर मुझे इसका ट्रेस निकालना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 + 4 = क्या आएगा, 6। अगर मुझे इसका ट्रेस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका योग करना पड़ेगा, तो 3 + 5 + 1 = 9। तो ये इसका ट्रेस आ गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो वर्ग अवयव क्या होती है, ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या सदैव समान होती है, किसके समान होती है, स्तंभों की संख्या के समान होती है। फिर हमारे पास आता है कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो मुख्य विकर्ण वो होता है जिसमें जिसके अवयवों के आई और जे की वैल्यू क्या होती है, सदैव समान होती है। देखिए 2 2 3 3। ट्रेस क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल हमेशा क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा। अब अगली बात करते हैं हम, अगला अवयव आता है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसका मेन पॉइंट होता है कि स्टार्टिंग इसकी होती है वर्ग अवयव से। इसका पहला पॉइंट क्या होगा, वर्ग अवयव। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के क्या होने चाहिए, अवयवों के अतिरिक्त,
के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। जैसे हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया 300150। इस वन की जगह भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये जीरो, ये जीरो और ये वन। तो हमारे पास मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये रहा मुख्य विकर्ण 3, 5 और 1, ये हमारे पास क्या है, मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के अलावा सभी क्या हो गया यहाँ पर, जीरो हो गए। तो ये कौन सी अवयव बन गई, विकर्ण अवयव। सीधा सा पहला पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वो वर्ग अवयव होगी, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य, वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम आगे के अवयव के बारे में बात करते हैं, और आगे की अवयव है अदिश अवयव। तो इस अदिश अवयव की परिभाषा क्या होगी, इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। हम पहले इसको लिख सकते हैं विकर्ण अवयव की परिभाषा से भी, तो ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण, अब यहां पर विकर्ण क्या होगा, विकर्ण अवयव का विकर्ण तो एक ही होता है, मुख्य विकर्ण ही होगा। विकर्ण के अवयव क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, तो वो होता है अदिश अवयव। अब दूसरी परिभाषा क्या होगी, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, सभी अवयव समान हो, उसे हम अदिश अवयव कहते हैं, जिसे स्केलर मैट्रिक्स का भी कहा जाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं अदिश अवयव का। तो अभी अपन ने क्या देखा था, वो एक विकर्ण अवयव होनी चाहिए, तो विकर्ण अवयव के लिए हम पहले क्या कर देते हैं, ये जीरो बना देते हैं। अब इसने क्या बोला, विकर्ण के अवयव, अब यहां पर एक ही विकर्ण होगा, इसके अवयव समान होने चाहिए, यानी कि 3, 3 और 3, तो ये 3/3 का है। यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है, अगर चाहे तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, हम चाहे तो 7 लिख सकते हैं, हम 7 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा अदिश अवयव का, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे सिंपल सा है, दो प्रकार से इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण, अब विकर्ण अवयव का विकर्ण तो एक ही होगा, ये जिसके अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, या फिर हम दूसरी परिभाषा वर्ग अवयव से भी लिख सकते हैं, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, वर्ग अवयव में विकर्ण दो होते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, तो इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, सभी अवयव समान होने चाहिए। अब बारी आती है इकाई अवयव, जिसको तत्समक अवयव भी कहते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब ये है क्या, तो ऐसा, इसके भी दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण के अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव, अब यहां पर मैंने विकर्ण लिखा, तो विकर्ण का मतलब यहां पर दोनों जगह मुख्य विकर्ण सही है, विकर्ण के अवयव एक हो, क्या होने चाहिए, वन, या ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, वो क्या कहलाएगा, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इसको हमेशा कैपिटल आई से लिखा जाता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई 1001, इसकी कोटि है 2/2, हम 3/3 का लिख लेते हैं, 1000001001, तो ये हो गया 3/3। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। अब 2/2 का है, तो हम इसको I2 से भी लिखते हैं, इसको I2 से लिखते हैं। I2 का मतलब है ऐसा इकाई अवयव जिसकी कोटि क्या हो, 2 हो। 3/3 का है, तो इसको हम I3 से लिख सकते हैं, I3 का मतलब होगा 3/3 का इकाई अवयव। और इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि तत्समक अवयव और इकाई अवयव कोई अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, और इसको कैपिटल आई से लिखा जाता है। अब हम आगे के अवयव के बारे में बात करते हैं, और आगे की अवयव है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके आगे की है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से देखते हैं तो हमें पता चलता है त्रिभुजाकार, कहने की त्रिभुज बनना चाहिए, ऐसा अवयव होना चाहिए, और निम्न का मतलब नीचे की तरफ बनना चाहिए, ऊपरी का मतलब ऊपर की तरफ बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी क्या है, ऐसा वर्ग अवयव, सबसे मेन पॉइंट है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव के ऊपर के अवयव, ऊपर के
अवयव, ऊपर के अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के ऊपर के अवयव शून्य हो जाए, निम्न त्रिभुजाकार कहलाता है। जैसे कि हम 3 बाय 3 का ले जाए, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 0, 0 और 0, ये एक 3 बाय 3 का है। तो ये एक निम्न त्रिभुजाकार का एग्जाम्पल है। देखिए ये मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर के अवयव, ये मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण और इसके ऊपर के अवयव, ये क्या हो गए? 0 हो गए। तो ये हो गया अपने पास निम्न त्रिभुजाकार। देखिए त्रिभुज बन रहा है नीचे की तरफ, अगर मैं इसको त्रिभुज बनाऊं तो ऐसा, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। अब आगे की तरफ बात करते हैं, अगला है ऊपरी त्रिभुजाकार, अपर ट्रायंगुलर। तो सेम यही होगा, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के ऊपर की जगह क्या आ जाएगा? नीचे के अवयव। ऊपर की जगह क्या आ जाएगा? नीचे के अवयव, मुख्य विकर्ण के। तो परिभाषा क्या होने की? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के नीचे के अवयव, नीचे के अवयव क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसी को एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, 3, 2, 3, 4 ऐसा लिख दिया, 5, 1 और 6 यहाँ लिख दिया, ये 0, 0 और 0 हो गया। तो अगर अपन देखें तो ये 3 बाय 3 का एक वर्ग अवयव है, और यहाँ पर मैं जैसे इसको रख देता हूँ तो ये मुख्य विकर्ण है और इसके नीचे के अवयव क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। और अगर हम त्रिभुज बनाएं तो ये इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, और जो कि क्या है? ऊपर की ओर बन रहा है। तो ये हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो निम्न त्रिभुजाकार में नीचे त्रिभुज बनता है, ऊपरी त्रिभुजाकार में ऊपर। निम्न त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के अवयव के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं और इसमें नीचे के अवयव शून्य होते हैं। अब अगली प्रकार की अवयव है आयताकार अवयव, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आयताकार अवयव क्या होती है? जिसमें जो वर्ग अवयव नहीं होगी वो आयताकार होगी, यानी कि जिसमें एम और एन दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। एम और एन का मान, अगर एम का मतलब पंक्तियों की संख्या और एन का मतलब स्तंभों की संख्या, अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर बराबर नहीं होती है तो वो आयताकार अवयव होती है। अभी आयताकार अवयव भी दो प्रकार से लिखी जाती है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब अपन को बताया कि वो लंबा होगा, लंबा का मतलब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से लिख देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 और 4। तो अगर मैं इसकी कोटी लिखूंगा तो इसकी कोटी होगी 2 बाय 4। तो इस प्रकार से जो होगा, जिसमें यहाँ पर स्तंभों की संख्या अगर अधिक होती है, स्तंभों की संख्या क्या होती है? अधिक, तो वो क्षैतिज अवयव होता है। तो इसमें सिंपल सा याद रखना है कि एम इज लेस देन एन, जो पंक्तियों की संख्या होगी वो हमेशा स्तंभों की संख्या से क्या होगी? कम होगी। अब ऊर्ध्वाधर की तरफ चलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल, इसी एग्जाम्पल में लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर साफ पता चल रहा है यहाँ पर क्या ज्यादा है, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ज्यादा है। देखिए 1, 2, 3, 4 स्तंभ कितने हैं? 2। तो ये इसकी कोटि क्या होगी? 4 बाय 2। तो ऊर्ध्वाधर के अंदर क्या होगा कि जो एम होगा वो ग्रेटर देन एन होगा। एम इज ग्रेटर देन एन का मतलब क्या है कि जो स्तंभों की संख्या है वो हमेशा, स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होगी? कम होगी। किससे कम होगी? पंक्तियों की संख्या से। इसमें क्या ध्यान रखना है? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। इसमें क्या ध्यान रखना है? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव में। अब हम बिल्कुल संक्षिप्त में वापस देख लेते हैं चार्ट बनाकर उनकी क्या विशेषता होती है अवयव की। पंक्ति अवयव का मतलब जिसमें पंक्ति की संख्या क्या होती है? एक होती है। स्तंभ अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या क्या होती है? एक होती है। एकल अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है और वो दोनों ही क्या होती हैं? एक होती है। शून्य अवयव क्या होता है? जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव क्या हो जाएं? शून्य हो जाएं। वर्ग अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब हम आगे देख लेते हैं विकर्ण का। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? पहले बात तो उसमें वर्ग अवयव होता है, इसका मतलब एम और एन का मान बराबर होगा। ए आई जे जो कि अवयव को प्रदर्शित करता है। आई और जे का मान बराबर कब होता है? जब वो मुख्य विकर्ण होता है। आई और जे का मान तभी बराबर होता है जब वो मुख्य विकर्ण होता है। तो मुख्य विकर्ण के अंदर के एल एम एन आगे कुछ भी हो सकता है। के एल एम एन का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। ए आई नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब है वो मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं है, और मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं होते तो वो क्या होते हैं? 0 होते हैं, तो वो विकर्ण अवयव होता है। अदिश अवयव में भी क्या है? वो वर्ग अवयव होता है। एम इक्वल टू एन ए आई जे, यहाँ पर मैंने के लिखा, के क्यों लिखा है? क्योंकि अपन को बताया गया अदिश
अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा समान होते हैं। तो समान होने के कारण आपने खाली सिर्फ एक के लिखा है, आई इक्वल टू जे का मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव है, आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं है, मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं होते हैं, तो वो बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इकाई अवयव में सेम है, एम इक्वल टू एन। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, यहाँ पर वन और बाकी सब क्या होते हैं, जीरो। ऊपरी त्रिभुज आकार की बात करते हैं तो ऊपरी त्रिभुज आकार में जो अवयव है वो जीरो कहाँ होते हैं, जब आई का मान जे से ज्यादा होता है। ऊपरी त्रिभुज आकार में जो जीरो बनते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं वापस, जैसे 3, 2, 1, 5, 6, 7, ये 0, 0 और 0, तो ये एक ऊपरी त्रिभुज आकार का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इसको देखें तो ये 21 है, ये 31 है, ये 32 है। 21 यानी कि आई का मान जे से ज्यादा था, 31 आई का मान जे से ज्यादा है, 32 आई का मान जे से ज्यादा है। तो इसका मतलब आई का मान जब भी जे से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ऊपरी त्रिभुज आकार का आ गया। निम्न त्रिभुज आकार में क्या होता है कि आई का मान जे के मान से छोटा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं वापस, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 0 और ये एक सिंगल जीरो। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 12 है, A12, ये है A13। तो 12 यानी कि आई का मान जे से छोटा है, 13 आई का मान जे से छोटा है, 23 आई का मान जे से छोटा है। तो ये त्रिभुजाकार की हो गई निम्न त्रिभुजाकार की विशेषता। क्षैतिज आयताकार अवयव और ऊर्ध्वाधर आयताकार अवयव अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, एम इज लेस देन एन और एम इज ग्रेटर देन एन। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है जबकि क्षैतिज में स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये कुल मिलाकर अपने पास अवयवों के प्रकार आ गए हैं, लेकिन चार पांच प्रकार की विशेष अवयव भी होती है, वो अपन इस चैप्टर के एंडिंग पार्ट में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें अवयव का गुणा करना आना चाहिए, अवयव का प्रतिलोम यानी इन्वर्स निकालना आना चाहिए। तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद में हम चार पांच विशेष प्रकार के अवयव के प्रकार भी पढ़ेंगे जो कि IIT एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।